Welcome to Dental and Ayurveda, a channel for basic dental sciences and Ayurvedic sciences. Our today's chapter is Dosh Dushyadi Vigyanam of Ayurveda BAMS. And the topics we'll be studying today are shown on the screen. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डेंटल एंड आयुर्वेदा। आज का हमारा टॉपिक है दोष वृद्धि क्षय प्रकोप के सामान्य निदान व लक्षण, कि दोषों में जो वृद्धि होती है, क्षय होते हैं या जो दोष प्रकोपित होते हैं उनके कारण या लक्षण क्या हैं। तो आज हम ये पढ़ेंगे, सो लेट मी स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि चरक सूत्र में श्लोक लिखा गया है, वायु पित्त कफश्चयो शरीरे दोष संग्रह मानस पुनरुदिष्टो रजस्य तम एच। तो इसका अर्थ है कि हमारे शरीर में रोग का जो अधिष्ठान है वो शरीर और मन है। रोग का अधिष्ठान शरीर और मन है, और इसी के भेद से देखें तो जो दोष होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, शारीरिक दोष और मानस दोष। शारीरिक दोष तीन प्रकार के होते हैं और मानस दोष जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। शारीरिक दोष में आते हैं वात पित्त और कफ, मानस दोष में आते हैं रज और तम। और आगे देखें हम तो दोषों की विकृत अवस्था के भी भेद होते हैं। दोषों की विकृत अवस्था के दो भेद होते हैं, जो हैं दोषों की वृद्धि और दोषों के क्षय। ये दो भेद हैं दोषों की विकृत अवस्था का। तो अभी हमने देखा दोष के, रोग के अधिष्ठान, दोष के भेद, दोषों के भेदों के भेद और दोषों की विकृति के भेद। अब हम देखते हैं दोषों की वृद्धि क्षय व प्रकोप के सामान्य कारण। हम ये देखने से पहले ये चीज सोच सकते हैं कि जब दोष अपनी वृद्धावस्था में होते हैं तो लक्षण शरीर या मन में ज़्यादा दिखाई देते हैं, उसके लक्षण यथाबल से उत्पन्न होकर ज़्यादा दिखाई देते हैं। जब शरीर में क्षय हो जाता है दोषों का, तो वही लक्षण हमें कम दिखाई देते हैं। तो ये वृद्धि और क्षय का थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस था। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस। नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, दोषों की वृद्धि क्षय प्रकोप के सामान्य कारण। तो दोषों के समान गुण धर्म वाले आहार विहार का अधिक सेवन करने से दोषों की वृद्धि होती है, और विपरीत गुण धर्म वाले आहार विहार का सेवन करने से दोषों का क्षय होता है। हम सब ने सामान्य विशेष सिद्धांत पढ़ा है। सामान्य विशेष सिद्धांत था, सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम हास्य हेतु विशेषस्य प्रवृत्ति उभयस्तुतः। तो इसका अर्थ था कि समान से समान कि जो वृद्धि होती है और उससे विपरीत से उसका क्षय होता है, उसी बेसिस पर, उसी सिद्धांत से यहाँ पर कहा गया है कि दोषों के समान गुण धर्म वाले आहार विहार करने से, उनका अधिक सेवन करने से दोषों की वृद्धि होती है। क्योंकि हमारा दोष है उसका जो गुण है, हम उसी के गुण से रिलेटेड आहार कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, तो वो दोष और बढ़ जाएगा। अगर हम उससे विपरीत आहार विहार करेंगे तो उस दोष का क्षय हो जाएगा। यथाबल दोषों की वृद्धि जो है वो सुश्रुत ने स्पष्ट की थी। सुश्रुत ने कहा था, सर्वे भावे स्त्री विभा अपि द्वाभ्यामिकेन वा पुनः समसर्गे कुपित कुर्धम दोषम दोषो अनुबाधत। ये उन्होंने सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान में लिखा गया है। तो इससे सुश्रुत स्पष्ट करना चाहते हैं, श्लोक का अर्थ है कि सभी भावों से, तीन भावों से, दो भावों से अथवा एक भाव से संसर्ग होने से दोष की वृद्धि होती है। इसमें उन्होंने हमें कुछ उदाहरण भी स्पष्ट किए हैं, तो हम उन उदाहरणों को देखें। तो सबसे पहला उदाहरण वात की वृद्धि पर दिया गया है। वात की वृद्धि के लिए कहें तो मटर सभी भावों से वायु की वृद्धि करता है,
जो चौलाई का साग होता है उसमें रुक, शीत और लघु ये तीन गुण होते हैं। तीन भावों से के संसर्ग से वायु की वृद्धि होती है। जो ईख होती है, गन्ना होता है, वो रुक्ष होता है और शीत होता है। इसके दो भावों के संसर्ग से वायु की वृद्धि होती है। इसी प्रकार सीधु रोक्षय गुण के कारण ये एकल भाव है, तो इससे वायु की वृद्धि होती है। इसी प्रकार उन्होंने पित्त की वृद्धि के लिए उदाहरण दिए हैं कि हींग, कटु, तीक्ष और उष्ण, ये इन भावों के संसर्ग से हींग में पित्त हिंसे पित्त की वृद्धि होती है। अजवाइन में तीक्ष्ण और उष्ण इन दोनों भावों के संसर्ग से पित्त की वृद्धि होती है, और तिल जो होता है उसमें उष्ण गुण होता है, उसके कारण पित्त की वृद्धि होती है। तो ये थे हमारे पित्त वृद्धि के कुछ उदाहरण। और अब हम देखते हैं कफ वृद्धि के कुछ उदाहरण। मधुर रस या भैंस के दुग्ध से, इनमें ये सभी भाव होते हैं, उन सभी भावों के संसर्ग से कफ की वृद्धि होती है। कशेरुक में शीत और गुरु दो भावों का संसर्ग होता है, उससे कफ की वृद्धि होती है। और मृणाल, मृणाल एक तरीके का लेप है जिसमें शीत गुण होता है और उससे कफ की वृद्धि होती है। ये हमें श्लोक में समझाया गया है, सुश्रुत ने स्पष्ट किया है इसे। आगे कहा गया है, इन्हीं गुणों की उत्तम, मध्यम व हीन भावों के अनुसार परस्पर विरोधी दोषों का भी श्रेय होता है। तो हमने अभी देखा ही, सामान्य से वृद्धि हो रही है, और अगर विरोधी करेंगे, उत्तम, मध्यम व हीन भाव होंगे, विरोधी दोष होंगे, तो उससे दोषों का क्षय होगा। अब हम आगे देखें तो वृद्धि के भेद। वृद्धि के भेद के लिए कहा गया है, वृद्धि ही द्विविधा चय प्रकोप भेदेन। वृद्धि जो है वो दो प्रकार की होती है, चय और प्रकोप। चय जन्य और प्रकोप जन्य दो प्रकार की वृद्धि होती है। यहाँ पर देखा जाए तो जो चय जन्य वृद्धि होती है वही उत्तर काल में प्रकोप जन्य वृद्धि में प्रवर्तित होती है। अतः इसका अर्थ है कि दोष अनुसार दोषों के संचय व प्रकोप का वर्णन किया जाता है। जैसा दोष होगा उसी प्रकार दोषों के संचय और प्रकोप को समझा जाएगा। तो और एक एडिशनल पॉइंट इसके अंदर ये है कि यहाँ मैंने ऊपर मेंशन भी किया हुआ है वो एडिशनल पॉइंट कि संचय और प्रकोप को का तो वर्णन हमें मिलता ही है, पर संचय प्रकोप के साथ प्रशमन का जो वर्णन है वो आचार्य वाग्भट के द्वारा किया गया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वात का संचय, प्रकोप व प्रशमन। तो उष्ण वीर्य से युक्त रुक्ष आदि गुण वात का संचय करते हैं, शीत वीर्य से युक्त रुक्ष आदि गुण वात का प्रकोप करते हैं, और उष्ण वीर्य से युक्त स्निग्ध गुण वात का शमन करते हैं। वात का संचय करने वाले उष्ण वीर्य से युक्त रुक्ष आदि गुण होते हैं, उसको बढ़ाने वाले, उसकी वृद्धि करने वाले शीत वीर्य से युक्त रुक्ष आदि गुण होते हैं, और उसका शमन, उसे नष्ट करने वाले उष्ण वीर्य से युक्त स्निग्ध गुण होते हैं। अब हम देखें तो वात जो प्रकोपित होता है उसके हेतु क्या है, उसके कारण क्या है। तो आहारज कारण अगर हम देखें कि वात किस वजह से प्रकोपित होता है, तो आहार के अंदर अगर हम रुक्ष द्रव्यों का अति सेवन करेंगे तो वात प्रकोपित होगा। कठिन द्रव्यों के अति सेवन से, तिक्त द्रव्यों के अति सेवन से, कषाय द्रव्यों के अति सेवन से और अति शीत द्रव्यों के अति सेवन से वात प्रकोपित होगा। अगर हम देखें विहारज निदान के क्या कारण होते हैं जिनसे वात प्रकोपित होता है, तो अति व्यायाम करने से, अपतर्पण से, ऊंची जगह से गिरने से, भगन या अंग भंग से, धातु क्षय, जागरण, वेग निधारण, अधिक बलवान से लड़ने की वजह से जो है वात प्रकोपित होता है। काल अनुसार देखा जाए तो जो वर्षा काल होती है और भोजन जीन के पश्चात और अपराहन में वात प्रकोपित होता है, वात की वृद्धि होती है। वर्षा ऋतु में वात की वृद्धि होती है। मानसिक कारण देखे जाएं तो अति शोक और
अति त्रास की वजह से ये होता है, इसकी वृद्धवात की वृद्धि होती है। हमने अभी वात के प्रकोपित वात के कारण पढ़े कि किन कारणों से वात प्रकोपित होता है। अब हम लक्षण पढ़ेंगे कि प्रकोपित वात के लक्षण क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो नानाविध प्रकार के उपतप्त, बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस, बहुत सारे डिजीज की वजह से जो मैनिफेस्टेशंस होते हैं उनकी वजह से बल वर्ण सुख आयु का उपाघात, मतलब जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमारा बल है, उसका कम होना, वर्ण का कम होना, जीवन के अंदर सुख कम होना या आयु का कम होना, ये वात प्रकोपित वात के लक्षण है। मन दुखी होना, सभी इंद्रियों का हनन होना कि हम सारी सेंसेशंस लॉस हो कर दें, या गर्भ का नष्ट होना, इंट्रायूटेराइन डेथ होना, गर्भ में विकृति उत्पन्न होना कि कोई डिफॉर्मिटीज फॉर्म हो जाए गर्भ में ही, गर्भ को सुखाकर दीर्घ काल तक धारण को कहें तो हम दिस इज इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। बाकी भय, शोक, मोह, प्रलाप और प्राण नष्ट डेथ की वजह से, ये सब लक्षण हैं प्रकोपित वात के। पित्त प्रकोप के हेतु कि पित्त किन कारणों की वजह से प्रकोपित होता है, तो आहारस कारण देखें तो कटु रस के सेवन से, अम्ल रस के सेवन से, लवण रस के सेवन से, उष्ण भोजन करने से, विदाही भोजन के सेवन से, तीक्ष्ण भोजन के सेवन से, तिल, अच्छी, दधि, सुरा और आरनाल के सेवन से। विहारज निदान जो हैं वो हैं कोध, क्रोध, उपवास, आतप, स्त्री संपर्क की वजह से पित्त प्रकोपित होता है। काल अनुसार देखें तो किस काल में पित्त की वृद्धि होती है, शरद और ग्रीष्म ऋतु में पित्त जो है वो प्रकोपित होता है, भोजन के जीर्ण होने समय, मध्यान्ह और अर्धरात्रि में पित्त प्रकोपित होता है। ये पित्त प्रकोप के कारण है। अब पित्त प्रकोप के जो लक्षण हैं वो क्या हैं, तो आचार्य मरीच ने पित्त के अंतर्गत रहने वाली अग्नि के कुपित अथवा अकुपित होने पर शुभ अशुभ कार्यों कर्मों का वर्णन किया है। वो शुभ और अशुभ कार्य कौन कौन से हैं उनका वो हम देखते हैं, जैसे पक्ति और अपक्ति, जो डाइजेशन और इनडाइजेशन है, दिखाई देना, नहीं दिखाई देना, ताप का बढ़ना, ताप का कम होना, टेम्परेचर इंक्रीज और टेम्परेचर डिक्रीज होना, प्राकृत या विकृत वर्णों का वर्ण उत्पन्न होना, जो हमारा कॉम्प्लेक्शन है वो चेंज होना प्राकृत या विकृत अवस्था के अकॉर्डिंग, शौर्य, भय, क्रोध और हर्ष, मोह, प्रसाद, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष आदि का होना अथवा न होना, ये आचार्य मरीच ने को शुभ और अशुभ कर्म का वर्णन किया है पित्त प्रकोपित के लक्षण। अब हम देखते हैं आगे कफ प्रकोप के हेतु। तो आहारज निदान के अनुसार देखें तो गुरु भोजन करने से, मधुर भोजन करने से, अति स्निग्ध भोजन करने से, दुग्ध विकार से, इक्षु विकार से, द्रव भोजन से, दधि सेवन से और सर्पी प्रयोग से, इन सब आहारों के अति सेवन करने से कफ प्रकोपित होता है। और विहारज निदान है इसका अधिक निद्रा करना, ज़्यादा सोने की वजह से भी कफ प्रकोपित होता है। हमने पढ़ा है, चरक में भी लिखा हुआ है कि दिन में नहीं सोना चाहिए, दिन में सोना निषेध है क्योंकि उससे कफ बढ़ता है। तो काल के अनुसार अगर हम देखें तो वसंत ऋतु के अंदर जो है कफ प्रकोपित होता है, भोजन करते समय और दिन व रात्रि आदि के काल में जो है कफ प्रकोपित होता है। अब प्रकोपित कफ के कुछ लक्षण हैं। आचार्य काप्य ने कफ में रहने वाले सोम के कुपित अकुपित होने पर उत्पन्न होने वाले शुभ व अशुभ कर्म निम्न बताए हैं, जो कि हैं दृढ़ता और शिथिलता, उपचय, कार्श्य, उत्साह, आलस्य, भ्रष्टता, कलीपता, ज्ञान, विज्ञान, बुद्धि, मोह आदि कर्मों से प्रवृत्त हैं।
ये सभी है जो हमने पढ़े वातपित्त कफ के जो प्रकोपित कारण हैं और उनके जो लक्षण हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ेंगे कि वातपित्त कफ की वृद्धि और क्षय क्या होते हैं, कौन किस किन कारणों की वजह से वृद्धि क्षय होती हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो दिस इज़ फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।